टॉप 3 बेस्ट रियलमी 5G फोन्स अंडर 13,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर रियलमी की तरफ से एक परफेक्ट फोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स और तो और 5G का सपोर्ट भी मिल जाए, सो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी का नार्जो 60X 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लिटरी डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, यानी काफी लाइटवेट और काफी स्लिम भी है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही आपको यहाँ पर 680 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको f2.4 का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की मिलती है। वैसे फोन का नाइट मोड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 400,000 के आसपास अंततः स्कोर भी निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। वैसे अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली एक दिन का बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी और लाउड है। वैसे कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 4.0। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं लेकिन पहले से आते हैं तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अगर आप रियलमी की तरफ से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। सो आप दोस्तों अगर आपको यहाँ पर रियलमी का नार्जो 60X नहीं पसंद है तो आप रियलमी का C67 5G भी देख सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन सेम डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में 13,999 रुपए की कीमत पर। तो अगर आपको यहाँ पर रियलमी की सी सीरीज पसंद है तो आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अगले फोन की। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन भी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और ये स्मार्टफोन यहाँ पर रियलमी का 11X 5G। फोन की दोस्तों तो इस फोन का जो फ्रेम है ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रंट में आपको यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और बैक साइड आपको यहाँ पर प्लास्टिक की ही देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि मेटल के बने होने के साथ साथ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 190 ग्राम के साथ में देखने को मिलता है और फोन की थिकनेस है 7.9 मिलीमीटर। सो ओवरऑल एक काफी अच्छा लाइट वेट और स्लिम फोन है। बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही में 680 निट्स तक की आपको हायर ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है,
आउटपुट की बात करें तो डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको 6 NM बेस MediaTek का Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आम वाली G57 MC2 के 2 कोर के GPU के साथ में आता है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन ऑनटू पर लगभग 4,30,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाले, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड और अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 4.0। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफी सारे ब्लॉटवेयर एप्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। फाइनली बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपए। बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन इजीली आपको 14,000 रुपए की कीमत पर मिल जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।